हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल इंग्लिश एवरीडे एंड वी आर डूइंग अल्फाबेटिकल वोकैब पार्ट टू। इससे पहले हमने पार्ट वन किया था अल्फाबेट ए का और आज हम कर रहे हैं अल्फाबेट बी। इजी सेंटेंसेस एंड हिंदी मीनिंग आर आल्सो गिवन, सो लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट वर्ड इज बैबल। बेबल होता है बड़बड़ाना। टू टॉक इन ए वे विच इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इस तरह बात करना जो समझने में कठिन हो। द वुमन बबल्स ऑन एंड ऑन अबाउट पुअर फैशन चॉइसेस, वो जो वुमन थी वो औरत बड़बड़ाती गई किसके लिए, पुरानी फैशन चॉइसेस के बारे में। बेकनेलियन, बेकनेलियन होता है शराबी या ड्रंकन। सेंटेंस है इसका, दिस आइलैंड इज नोन फॉर इट्स बैकेनेलियन पार्टीज, ये अपनी ड्रिंक वाली पार्टीज के लिए जाना जाता है, ये आइलैंड अपनी ड्रिंक पार्टीज के लिए जाना जाता है। थर्ड वन इज बैकबाइट। बैकबाइट होता है चुगली करना, टू स्पीक समथिंग एट बैक ऑफ समवन। सेंटेंस है इसका, बैक बाइटिंग इज ए बैड हैबिट, चुगली करना एक बुरी आदत है। नेक्स्ट वर्ड इज बेजर। बेजर होता है परेशान करना यानी अनोय। सेंटेंस है, देयर इज ए स्टूडेंट इन क्लास हु लाइक्स टू बेजर द टीचर, यहाँ पर क्लास में एक स्टूडेंट है जिसको टीचर को परेशान करना अच्छा लगता है। हमारा नेक्स्ट टेंस है बेडनेज। बेडनेज होता है मजाक में चिढ़ाना यानी कि प्लेफुल टीजिंग। सेंटेंस है, ड्यूरिंग द टू डे बस राइड, बस के दो दिन के सफर में द ड्राइवर केप्ट द पैसेंजर एंटरटेन्ड विद हिज कॉमेडिक बेडनेज, जो ड्राइवर था उसने सभी पैसेंजर्स को मजाक में चिढ़ा चिढ़ा के उनका मनोरंजन किया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बैफल। बैफल होते चकरा देना या कंफ्यूज करना। ही वॉक्स थ्रू द होल्स क्विकली, द अमर्जिंग थॉट्स इन हिज हेड बैफलिंग हिम, जब भी उसके दिमाग में कुछ कंफ्यूज करने वाले विचार आते हैं वो हॉल में से जल्दी जल्दी वॉक करता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है बेट। बेट होता है चारा, ट्रैप, डिकोय, स्नेयर। सेंटेंस है, आई बोट ए पोल बट आई डोंट हैव एनी बेट फॉर कैटफिश, कि मैंने जो पोल तो खरीद लिया मछली पकड़ने का, पर मेरे पास क्या नहीं था कैटफिश को पकड़ने के लिए, चारा नहीं था या बेट नहीं था। नेक्स्ट है हमारा बेलफुल। बेलफुल होता है घातक या हानिकारक यानी कि डेडली। सेंटेंस है, विद बेलफुल आईज द वल्चर स्टेयर्ड एट द इंजर्ड रैबिट, अपनी भयानक आंखों से वल्चर ने घायल खरगोश को घूरा। नेक्स्ट है हमारा बाक। बाक होता है अनइच्छुक होना, टू बी अनविलिंग टू डू समथिंग, किसी को किसी कार्य को करने की इच्छा ना होना। इसका सेंटेंस है, बिकॉज रमा विल ऑलवेज बाक एट कमिटमेंट, रमा जो है वो किसी भी बंधन के लिए कभी तैयार नहीं होगी। I am afraid she is always going to be single. मुझे डर है कि कहीं वो हमेशा के लिए अकेली ना रह जाए। बामी, बामी होते गर्म यानी कि pleasantly warm, जिसको क्या कहते हैं soft, soft हल्का गर्म। Sentence, the balmy climate immediately improved my spirits, यानी कि जो pleasantly warm climate था, वातावरण था, उसने मेरी आत्मा को खुश कर दिया। नेक्स्ट है बेन। बेन होता है अभिशाप यानी कि कर्स। सेंटेंस है, लोनलीनेस कैन बी द बेन ऑफ ओल्ड एज, यानी कि बुढ़ापे का सबसे बड़ा अभिशाप क्या है, अकेलापन। नेक्स्ट इज बेंटर। बेंटर होता है मजाक में चिढ़ाना, और हमने पहले भी इससे पहले एक सेंटेंस किया था, और अब है कन्वर्सेशन विच इज फनी नॉट सीरियस, कि ऐसी बातचीत जो मजाकिया हो सीरियस ना हो। तो यहाँ पे सेंटेंस देखिए, द टू एक्टर्स हैंग आउट एंड बेंटर लाइक ब्रदर्स,
यानी कि दोनों एक्टर्स एक दूसरे को ब्रदर्स की तरह चिढ़ाते हुए बाहर निकल गए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बार्ब। अब बार्ब क्या होता है? कांटा, यानी कि शार्प प्रोजेक्शन फ्रॉम फिश हुक, जो फिश हुक के आगे लिखा लगा होता है, एक शार्प हुक होता है। सेंटेंस है इसका, हैविंग ए बार्ब्ड फिशिंग हुक, यानी कि एक बार्ब्ड यानी कि शार्प जो है फिशिंग हुक होते हुए, द फिशरमैन वॉज एबल टू कैच काउंटलेस फिश, फिशरमैन ने बहुत सारी एंडलेस क्या थी फिश पकड़ी। अब है बार्बरिक। बार्बरिक होता है बर्बर, सेवेजली या क्रूअल, सेवेजली क्रूअल। ही डिडंट हैव मेनी फ्रेंड्स, उसके बहुत ज्यादा दोस्त नहीं है, बिकॉज ही ट्रीटेड अदर्स विद ए बार्बरिक डिस्टेन। अब डिस्टेन क्या है? तिरस्कार, क्योंकि वो एक बर्बर तरीके से सबका तिरस्कार करता है, इसलिए उसके बहुत ज्यादा दोस्त नहीं है। नेक्स्ट है हमारा बार्ड। बार्ड होता है कवि, यानी कि पोइट। तानसेन वॉज द मोस्ट फेमस बार्ड इन कोर्ट ऑफ अकबर। तानसेन जो थे वो अकबर के कोर्ट के क्या थे? बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे। नेक्स्ट है बेयरफेस्ड। अब बेयरफेस्ड होता है बेशर्म, यानी कि शेमलेस। सेंटेंस है, इट वॉज क्लियर दैट, यह बात साफ है कि फ्रेड वॉज बींग चीटेड इन द मोस्ट बेयरफेस्ड मैनर, कि बड़ी बेशर्मी से फ्रेड को क्या किया गया? धोखा दिया गया। नेक्स्ट है हमारा बैरोक। बैरोक होता है सजा हुआ, यानी हाईली ऑर्नेट। सेंटेंस, द बैरोक पिक्चर फ्रेम वॉज हैंड कार्व्ड, यानी कि वो जो सजी हुई पिक्चर है वो किससे गढ़ी हुई है? वो हाथ के द्वारा गढ़ी हुई है। नेक्स्ट है हमारा बेराज। बेराज होता है बांध, स्ट्रक्चर बिल्ट ऑन ए रिवर, वो जो डैम बनाया जाता है। सेंटेंस है, द फरक्का बैरेज इज ऑन गंगा रिवर इन वेस्ट बंगाल। फरक्का बैराज जो है बांध है वो कहां पर है? गंगा रिवर पर है। कहां पे? वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट हमारा वर्ड है बी लाइन। बी लाइन होती है सीधी रेखा या सीधा रुख, डायरेक्ट और क्विक रूट। सेंटेंस है, वंस आई गोट होम फ्रॉम ए लॉन्ग डे एट वर्क, मैं एक दिन बहुत लंबे दिन के कार्य के बाद थका हुआ घर आया, आई मेड ए बी लाइन फॉर माई बेड, और मैंने सीधा अपने बेड की राह पकड़ी या सीधा अपने बेड का रुख किया। नेक्स्ट है हमारा बिगेट। बिगेट होता है पैदा करना, टू प्रोड्यूस, यानी इसका एक जो है मुहावरा भी है, मनी बिगेट्स मनी। और इसी तरह यहाँ पर जो सेंटेंस है वो है, हाई लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफन बिगेट हाई लेवल्स ऑफ क्राइम, यानी कि बहुत ऊंचे लेवल का की जो बेरोजगारी होती है वो बहुत ऊंचे लेवल के अपराध को जन्म देती है। अब है बीग्रज। बीग्रज होता है बेमन से देना, टू गिव अनविलिंगली। अब सेंटेंस देखिए, रिक टेक्स प्लेशर इन अर्निंग हिज ओन मनी, रिक को पैसा कमाने में मजा आता है, एंड डजंट बीग्रज द इनहेरिटेड वेल्थ टू अदर्स, पर उसे अपना पैसा जो है वो दूसरों को देने में भी बेमन नहीं होता, वह अपना पैसा दूसरों को भी खुशी से देता है, बेमन होकर नहीं देता। आगे है बिगाइल। बिगाइल होता है दिशा भ्रमित करना, यानी कि चीट और मिसलीड। सेंटेंस है, द कार सेल्समैन ट्राइड टू बिगाइल द कस्टमर विद एन ऑफर ऑफ फ्री गैस फॉर ए ईयर, एक साल की फ्री गैस का जो है उसको धोखा देते हुए, यानी कि बातों में फंसाते हुए कार सेल्समैन ने कस्टमर को भ्रमित कर लिया, यानी कि चीट किया, उसको धोखा दिया। एक साल का ऑफर दिखाते हुए उस सेल्समैन ने क्या किया? कार खरीदने वाले कस्टमर को भ्रमित किया। नेक्स्ट है हमारा बिहीमत। बिहीमत होता है बहुत बड़ा जीव, यानी ह्यूज क्रीचर। आई वॉज स्केयर्ड ऑफ द बिहीमत रोलर कोस्टर दैट वॉज द टॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड, यानी कि संसार का सबसे लंबा और सबसे तेज जो रोलर कोस्टर था वो मुझे एक बहुत बड़े जीव की तरह दिखाई दिया और मैं उससे डर गया। बीहेस्ट होते के आदेश पर, एट द ऑर्डर ऑफ। सेंटेंस है, एट द
प्रेसिडेंट्स बिहेस्ट यानी कि राष्ट्रपति के आदेश पर द प्रिजनर विल बी पार्डन्ड फॉर हिज क्राइम, जो प्रिजनर है वो क्या है अपने अपराध के लिए क्षमा कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा बेनेवोलेंस यानी कि दया या काइंडनेस। सेंटेंस है मदर टेरेसा वाज नोन फॉर हिज बेनेवोलेंस, मदर टेरेसा अपनी दया के लिए जानी जाती थी। नेक्स्ट है बिट्रे धोखा देना, टू बी डिसलॉयल। सेंटेंस यू डिंट बिट्रे माई ट्रस्ट, तुमने मेरे विश्वास को नहीं तोड़ा या तुमने मेरे विश्वास को धोखा नहीं दिया। नेक्स्ट है ब्लैकगार्ड, ब्लैकगार्ड होता है आवारा, अ मैन विद नो मॉरल प्रिंसिपल्स। अब इसका सेंटेंस है माई पुअर ओल्ड मास्टर प्रिवेंटेड हर, मेरे जो है वो गरीब बूढ़े जो मालिक ने उसे बचा लिया किससे, फ्रॉम मैरिंग दैट टिप्सी ब्लैकगार्ड। अब टिप्सी होता है ड्रंक, जो ड्रंकर होते हैं, पियक्कड़, उस पियक्कड़ आवारा से शादी करने से मेरे गरीब बूढ़े मास्टर ने उसे बचा लिया। और ये था आज का हमारा वोकैब अल्फाबेटिकल, और हम कर रहे थे अल्फाबेट बी। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और इस तरह की वीडियोस में मेरे साथ रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।